हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डेली टिप्स। मेरा नाम है रवि और आज हम आज के मैच सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच होने वाले मैच की ड्रीम इलेवन टीम देख रहे हैं कि कौन से प्लेयर आज के मैच में खेल सकते हैं। तो दोस्तों, आज का मैच आरसीबी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको हर हाल में जीतना है। अगर वो ये मैच जीतते हैं तो उनके चांसेस प्लेऑफ्स में पहुंचने के काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। अगर हार जाएंगे तो वो प्लेऑफ्स की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। तो उनको हर हाल में जीतना है, इसलिए काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। और जो सनराइजर्स है वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं प्लेऑफ्स के लिए, तो अगर वो हार भी जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, लेकिन फिर भी वो चाहेंगे कि उनका मोमेंटम जो जीत का है वो बना रहे, इसलिए वो भी अपनी बेस्ट टीम आज उतारेंगे। तो आरसीबी की बात करें तो मेरे हिसाब से वो अपनी जो विनिंग टीम है, जो पिछला मैच जीती थी, उसी टीम के साथ जाएंगे। काफ़ी अच्छी टीम थी वो, तो इसमें मुझे नहीं लग रहा कि कोई चेंज होगा आज इनके लिए। तो आप सेम टीम के साथ जा सकते हैं। जो टॉप परफॉर्मर्स हैं, टॉप प्लेयर जो आप ले सकते हैं आज की टीम में, वो हैं विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, उमेश यादव, पार्थिव पटेल, युजवेंद्र चहल, मोइन अली और टिम साउदी। और जो संभावित 11 प्लेयर्स हैं वो हैं पार्थिव पटेल, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, मनदीप सिंह, सरफराज खान, मोइन अली, कोलिन डी ग्रैंडहोप, टिम साउदी, उमेश यादव, मोहम्मद सिराज और युजवेंद्र चहल। दोस्तों, अगर सनराइजर्स की बात करें तो कार्लोस ब्राथवेट के थोड़े से चांसेस हैं कि वो एलेक्स हेल्स को रिप्लेस कर दे। वैसे भी सनराइजर्स क्वालिफाई कर चुके हैं प्लेऑफ्स के लिए, तो मेरे हिसाब से वो एक दो चेंजेस कर सकते हैं, एक दो बड़े प्लेयर्स को आराम दे सकते हैं वो। लेकिन उनके जो हेड कोच है टॉम मूडी, उन्होंने कहा था कि वो अपना मोमेंटम नहीं तोड़ना चाहते और वो सेम ही टीम के साथ जाएंगे। तो वो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वो सेम ही टीम के साथ जाएं। और यूसुफ पठान है जो, उनको इंजरी हो गई थी, पिछला मैच नहीं खेले थे, लेकिन वो नेट पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो आ सकते हैं। थोड़े से चांसेस हैं, ज़्यादा नहीं है उनके। और रिद्धिमान साह है, उनके भी थोड़ी सी चांसेस हैं कि वो श्रीवत्स को, स्वामी को रिप्लेस कर दें। उनको भी इंजरी हो गई थी, वो दो मैच नहीं खेले थे पिछले, लेकिन वो नेट पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से उनके चांसेस 50-50 है श्रीवत्स को, स्वामी और साहा के। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मेरे हिसाब से वो सेम ही टीम के साथ जाएंगे। एक चेंजेज हो सकता है, ज़्यादा चांसेज हैं वो है रिद्धिमान साहा का खेलने के, तो आप देख लेना, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसकी बात का। जो टॉप परफॉर्मर्स है सनराइजर्स के, वो है केन विलियमसन, शिखर धवन, भुवनेश्वर कुमार, रशीद खान, शाकिब अल हसन, सिद्धार्थ कौल और संदीप शर्मा। और जो संभावित 11 प्लेयर्स है वो है शिखर धवन, एलेक्स हेल्स, केन विलियमसन, मनीष पांडे, दीपक हुड्डा, शाकिब अल हसन, रिद्धिमान साहा या श्रीवत्स गोस्वामी में से एक, रशीद खान, भुवनेश्वर कुमार, सिद्धार्थ कौल और संदीप शर्मा। और दोस्तों, जो विकेट कीपर है उसमें साहा और गोस्वामी दोनों के चांसेस 50-50 है। पक्का नहीं है कि कौन सा प्लेयर इनमें से खेलेगा, तो फिर हिसाब से आप पार्थिव पटेल को लें अपनी टीम में। पार्थिव पटेल अच्छी फॉर्म में है, अच्छे रन भी बना रहे हैं पिछले 2-3 मैचेस में, तो आप इनको लें। और साहा वैसे भी आउट ऑफ फॉर्म थे, गोस्वामी भी एक ही मैच खेले हैं और इनके चांसेस भी 50-50 है, पता नहीं कौन सा खेले। अगर आप मल्टीपल टीम के साथ जा रहे हैं तो रिस्क ले सकते हैं, रिस्क ही रहेगा इन दोनों प्लेयर्स पे, तो मेरे हिसाब से आपको पार्थिव पटेल को लेना चाहिए। और जो कैप्टन और वाइस कैप्टन है उनमें है विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, केन विलियमसन, शिखर धवन, पार्थिव पटेल, शाकिब अल हसन, मनीष पांडे, कोलिन डी ग्रैंडहोम और रशीद खान। दोस्तों, ऊपर के 4 प्लेयर्स अच्छी फॉर्म में हैं, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और केन विलियमसन लगातार रन बना रहे हैं। एबी डिविलियर्स 1-2 मैचेज में फेल हुए थे, लेकिन काफ़ी अच्छी फॉर्म में है, ये आप सभी को पता है, काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। केन विलियमसन लगातार रन बना रहे हैं। शिखर धवन पिछले मैच में मैच विनिंग पारी खेली थी, तो इनको आप लें अपनी टीम में, ये काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, फॉर्म में भी आ चुके हैं वापस। और पार्थिव पटेल भी काफ़ी अच्छी फॉर्म में है, इनको भी आप कैप्टन के रूप में ले सकते हैं। शाकिब अल हसन जो है वो ऑलराउंडर है, इनके बैटिंग के चांसेस कम आते हैं, लेकिन ये दोनों तरफ से स्कोर कर सकते हैं आपके लिए। अगर इनकी बैटिंग जल्दी आ जाती है तो बैटिंग भी स्कोर कर सकते हैं आपके लिए, और बॉलिंग तो करते ही हैं अच्छी, तो आप इनको भी ले सकते हैं। मनीष पांडे वैसे तो काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, तो मेरे हिसाब से आप इनको अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर ये चल गए तो आपके पॉइंट्स बना सकते हैं, काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं वैसे ये। कोलिन डी ग्रैंडहोम ऑलराउंडर है, कई बार इनकी जल्दी बैटिंग आ जाती है, बॉलिंग ठीक ठाक कर लेते हैं और बैटिंग में तो आपको पता ही है लंबे लंबे हिट मारते हैं, तो इनको आप ले सकते हैं अगर मल्टीपल टीम्स के साथ जा रहे हैं। और रशीद खान बॉलर है, लेकिन जो चिन्नास्वामी की पिच है, जो बेंगलोर की पिच है, वो आजकल स्पिन बॉलर्स को थोड़ी मदद दे रही है, तो इसलिए मैंने इनको अपनी टीम में रखा है। तो आप देख सकते हैं, इनको ले सकते हैं अगर मल्टीपल टीम्स के साथ जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप एक ही टीम के साथ जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से ऊपर के 4 या 5 प्लेयर्स में से आपको लेना ठीक रहेगा। अगर मल्टीपल टीम्स के साथ जा रहे हैं तो इन सभी प्लेयर्स में से आप अलग अलग प्लेयर्स को अपने हिसाब से ले सकते हैं।
तो दोस्तों ये थी आज की टीम न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक देना ना भूलें, और अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।